तो दोस्तों ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये है मेरा भांजा समीर, जो कि कुछ दिनों बाद में डॉक्टर समीर बनने वाले हैं। क्योंकि तो दोस्तों अभी रेस्ट करने आ चुके हैं, बारात आ गई है, निकाह भी हो गई है, लेकिन हाँ बिल्कुल 2.5 घंटा रेस्ट हो चुका है। ये अपने जावेद भाई हैं, इसके अलावा फारिस जो आरती का प्रोग्राम था वो हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे 45 मिनट चला, और जावेद भाई है बिल्कुल ये आरती के जो भी थे। सुसरा 500 रुपया 0 पाव घड़ी और 27 सास की 5 रुपये की। और ये अमित भाई जी के टेक्सटाइल के ओनर आज इस बात के लिए स्पेशल पहुंचे थे। सलाम थोड़ा कम था उनके पास, सीधा ही वहाँ पे वहाँ भी आए थे और उसके बाद पिछले 1 घंटे से यहीं। और इमदाद भाई बिल्कुल आरती का प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। और ये देखिए जनाब हाकम अली खान साहब है MLA फतेहपुर। और इमदाद चांद है उनको माला पहना कर वो सम्मान कर लीजिए या माता। तो आरती के प्रोग्राम के बाद ये भात का जो मुख्य प्रोग्राम है जहाँ पे सभी नज़र आ रहे हैं, जो इस बात के मुख्य मामा जी और इमदाद भाई के पिताजी हैं, इमदाद नज़र आ रहे हैं और समय थोड़ा कम था उनके पास, सीधा ही वहाँ पे आए थे और उसके बाद पिछले 1 घंटे से यहीं पे रुके हुए हैं। और जैसे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा उसके बाद उनका अगला प्रोग्राम है तो वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पठान जी भी थे। एक साइड से बड़े बुजुर्ग हैं वो तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ खाना चल रहा है तो खाने की तरफ प्रधान जी पहचानते हैं पूरा वीडियो मटर वो ब्लॉग तैयार हो सी एक और ये अमित भाई जी के टेक्सटाइल के ओनर आज इस बात के लिए स्पेशल पहुंचे थे। सलाम अलैकुम भाई जी। तो बढ़िया, हाँ बढ़िया। ये एक बार पुनः वही जोड़ी, पुरानी जोड़ी नए अंदाज में, लेकिन एक दोस्त मिस है इनका, परवेज खान। और जो हमारे पावना है बिजरी से बिजरी के उन्हीं की बच्ची की शादी है हाथों में। अभी प्रोग्राम चल रहा सही बने आरी भाई जी के टेक्सटाइल के ओनर संभवतः जयपुर से सीधे पहुंचे हैं, स्पेशल इसी बात के लिए पहुंचे हैं। और जाकिर भाई जी नजर आए और सिकंदर भाई हैं वो भी बिल्कुल जयपुर से सीधा यहीं पे पहुंचे हैं संभवतः। और आबिद भाई जी बिल्कुल पहले आ चुके थे। दृश्य हैं दोनों में, वहाँ पे भी पान पान शुरू है।
अमीखा मलोती तो दोस्तों जो भात का प्रोग्राम था मुख्य प्रोग्राम है वो लगभग समाप्त हो गया है। और देखिए आप सभी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जुड़ गए, और यहाँ पे मामा जी हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जो प्रोग्राम है ये हमारे पूर्व सरपंच साहब है, बिल्कुल जो प्रोग्राम था वो लगभग हो चुका है। और जनाब हकम ने कहा पिछले एक डेढ़ घंटों से यहाँ पे रुके हुए, सलाम अलैकुम। लोंगल रेडी जो कैमरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड से तो बात का जो प्रोग्राम था वो समाप्त होने के बाद एक फोटो शूट हो रहा है, हमारे कैमरामैन है, दोनों ही कैमरामैन है। हकमी का साहब है और ये हमारे भनोई शाह सर पे रुमाल दे रहा है, उस पर प्रधान जी नजर आ रहे हैं। ये इमदाद भाई, उनके पिताजी अब जाके बिल्कुल थोड़ी सी चेहरे की मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही, क्योंकि बहुत बिजी शूट था दो दिनों से। तो कैमरा मैन है वो कवर भी करते हुए, जनाब हकम अली खान हैं जो ML हैं उदयपुर से, उनको रवानगी देते हुए बिल्कुल फिर से रोकने का प्रयास करते हुए, क्योंकि बहुत बिजी शूट था, फिर भी दो घंटे के लगभग यहाँ पर रुके हैं और समय के साथ पहुँच गए थे। तो जनाब हकम अली खान साहब हैं बिल्कुल, वो चले गए हैं अभी और प्रोग्राम हो चुका है और अब खाने का प्रोग्राम होएगा। अनवर खान साहब और रिजवान चांदर बिल्कुल साथ में बने हुए फोटो तो इकबाल भाई को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन साथ में एक गार्ड छोड़ा गया इरफान भाई। वैसे बाउंसर की टी शर्ट आज मैंने भी पहन रखी है एज ए कैमरे के रूप में। तो प्रोग्राम है करीब करीब हो चुका है और खाना चल रहा है, खाना करीब करीब साथियों ने जो भात में आए थे वो खा लिया खाना। दोस्तों खाने का प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, पिछले दो घंटे से कंटिन्यू चल रहा है और देखिए अभी
जितने भी वो इमदाद जान कहते हैं ना मामलात हैं, वो सभी मामलात नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे वेटर्स हैं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं सभी। मोहसिन भाई भी फ्री हैं, प्लेट खाली है इनकी। मामा जी खाना, समय थोड़ा कम था लेकिन अब जाके खाने के लिए आए हैं, क्योंकि उस समय बात का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे थे मामा जी। ज़्यादा खाना खाते हुए हमारे जो सीनियर थे बड़े बुजुर्ग वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो भात का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन शाहरुख भाई कंटिन्यू दो घंटों से लगातार नज़र आ रहे हैं प्लेट हाथ में लेकर। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, और खाने का प्रोग्राम था वो भी लगभग हो चुका है और रेस तय की गई हैं। प्रोग्राम चल रहा था कॉमेडियन रिजवान थी, हम हंसी की दुकान विथ रिजवान। तीन घंटों से बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का, उसी अंदाज में जो ये तीन घंटे पहले शुरू किया था उसी अंदाज में उसी तरह का जूस है वो दे रहे हैं अभी भी। संभवता कौन सा है, पपीता से पाइन एपल आइसक्रीम वगैरह के डाल दें, बिल्कुल बताइए। बादाम शेक है, बिल्कुल आज मामला बहुत भारी है, बादाम शेक है वो कंटिन्यू तीन घंटे से लगातार चल रहा है, बिल्कुल एक नंबर का। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और ये आरिफ खान साहब हैं राज केटर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, शादी और विवाहों के लिए बिल्कुल अच्छा कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है उन्होंने रखा है राज केटर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट आरिफ खान। बड़ी बड़ी शादियां हैं उसमें देखने को मिलता है ये केटर्स से। ये छोटे बच्चे हैं, दूसरी बार आए हैं वापस घूम कर। तो लगभग प्रोग्राम है वो अब खाने के लिए केवल जो हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे जो बात के समय अंतिम समय में जो थे वो खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे रेस्ट है, रेस्ट के लिए सोफा वगैरह लगाए गए हैं, सभी हैं वो रेस्ट कर रहे हैं अभी। और ये तो आज तीन चार जगह हमने देखा लिखित वाला खा लिया, तो ये आज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा था। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या रहता है, जैसे समय मिलेगा और आगे की एक्टिविटी दिखाते रहेंगे, लेकिन ये बंदा बार बार नज़र आ रहा है। टेंट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, शेखावाटी टेंट एंड लाइट हाउस उनकी तरफ से, जाजोद का टेंट है, अच्छा कार्य किया गया, बहुत साफ़ सुथरा कार्य किया गया उनकी तरफ से भी। तो ब्लॉग्स में ये भी नज़र आएंगे आपको, शेखावाटी टेंट एंड लाइट हाउस जाजोद। तो दोस्तों अभी मोबाइल मैंने ले लिया है, क्योंकि आसिफ भाई है वो अभी उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ उनको यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है राजास में, अली शेर खां का मेडिकल स्टोर, वहाँ पर भेज दिया है। और अभी अपने दो ये अपने रिजवान चांद हेलो गाइस इसके अलावा अपने आसिफ खान जिमी और बाद में फारिस भाई और अपना ये दो भांजे आ चुके हैं, इसके अलावा जो अनस है ये देखिए, और चल जाए इतनी एक्टिव है ज़्यादा नहीं है, मतलब
तो और बाद में ये अशफाक भाई आ गए हैं नन्हे नन्हे कदमों से और ये मतलब जो स्लो मोशन वाली फीलिंग ले रहे हैं चल के। और कौन है? आ जाओ। तो अभी थोड़ा रेस्ट करने का वक्त हो चुका है और रिजवान भाई चांद बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं ताजी खाला के घर। ताजी खाला के घर, और वो आपको ताजी खाला के घर दिखा देता हूँ। तो ताजी खाला के घर पे यहाँ पर रेस्ट करेंगे और बारात अभी आई नहीं है क्योंकि दो बारात आएंगी, एक पूननी से और एक गन्नेड़ी से। तो अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल आसिफ का कह रहे हैं तकरीबन स्टैंड पे पहुंच गया है। डीजे की आवाज़ आ चुकी है तो अभी खाला के घर पे रेस्ट करेंगे क्योंकि और खाला के घर पे फुल भीड़ है। लेकिन इनको पहले से बोला हुआ है कि भाई व्यवस्था है वो करनी है। ये देखिए खाला के घर भीड़ है, वो आप देख सकते हैं। इन चप्पलों को देखिए कितनी भीड़ हुई है। और अभी आसिफ भाई बता रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा है यार रेस्ट हो पाएगा। ये मेरी भांजी आ चुकी है तेमिया, ये देख सकते हैं तेमिया। और ये भतीजा है फारूक भाई जी का बेटा आरिस। और ये कौन है? तस्मिया। ये तस्मिया। और इसके अलावा भतीजी भी आएंगी मेरी, उनसे भी मिलवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये खालू जी रेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ चलने दो। और ये बाबू जी हैं मेरे, और इसके अलावा बाबू खां प्रिंसिपल साहब, ये रेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट में चले। और ये पीती सर से हमारे रिश्तेदार हैं, पापा जी के खाला के पोते, और हुसैन खां पीती सर। पीती सर तो बहुत ही बड़ा गांव है, तो एक दिन जरूर आएंगे, मिलेंगे आपसे, वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो कर दो सुमें। और ये भतीजी है एक जारा, अरे तो समय और इसके अलावा ये हैं अपने खालू जी के बनोईर, हमारे पापा के मित्र इस्लाम का रसूलपुर, बहुत ही शानदार शख्सियत है और फतेहपुर में बड़े प्रॉपर्टी डीलर के रूप में उभर के आए हैं। और बिल्कुल आपको कभी भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो तो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये रिजवान भाई चाह। तो दोस्तों ये है मेरे खाला के बेटे असलम की बेटी इकरा, और अभी और भी बच्चे हैं इसरा ये अच्छा, और जो बच्चियां इनका भी ये नाम बताएगी। ये बता ये कौन है? इसरा। हाँ दो तीन को भेजते हैं इसरा, फिर आयत तब्बू। ये तब्बू मेरी भांजी आबिदा की बेटी, और जारा। ये जारा। जारा कौन है? जारा की लिली पली दोबारा आ गई ना, ये जारा है। अरे तू क्या बताना चाहिए? और अरे अरे वो भी देखो, एक्टिंग देख सकते हैं आप। ये हमारे हैं चाचा। अच्छा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर भी करें। चलो ठीक है। बाय बाय गाइस। तो दोस्तों अभी कैमरा मैंने संभाल लिया है, और ये देख सकते हैं आप आर्मी की तरफ से बहनोई जी के जो मेरे बहनोई जी हैं अनवर खां नायब सूबेदार, उनकी तरफ से आर्मी का जो बैंड आया हुआ है बहुत ही शानदार। और ये मेरा भांजा अरमान है, और इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं चाचा जी इरफान खां जो कि जयपुर से आए हैं। इसके अलावा मेरे चाचा जी यूनुस का है। और अभी जो एक्टिविटी है वो आपको पूरी दिखा देता हूँ। बारात दोनों आ चुकी हैं, और एक बार आपको माहौल दिखा देता हूँ बारात का। तो दोस्तों मुझे पता है आसिफ बीमार होने की वजह से खाने पीने की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल आपको नहीं दिखा पाया, तो आज मैं पूरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है सलाद काउंटर, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें तो जो रेगुलर जो चीज़ें रहती हैं वही है, बाकी मिठाइयों के जो काउंटर वगैरह हैं वो भी आपको इस सिस्टम से दिखा देता हूँ। तो मिठाइयों के काउंटर में सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं काजू कतली है, इसके अलावा चक्की है, और ये चमचम है, इसके अलावा भुजिया है, चावल है,
और सब्जी में यहाँ पर ये तो आलू छोला की सब्जी हो गई, इसके अलावा पनीर की सब्जी हो गई, और पूड़ी है, रोटी है, दाल है, और ये मिर्च है। और ये अभी फारिस सोलंकी साहब मिले हैं, कल फेसबुक पे इन्होंने कमेंट भी किया था कि शादी में मिलेंगे आपको, तो बिल्कुल इन्होंने जैसा बताया वैसा अपना वादा पूरा किया। और अभी आपको जो बाकी चीज़ें रही हैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर दही बड़े की सुविधा है, तो सुविधा सारी यहाँ पर अवेलेबल हमें मिलेगी। हेलो, काउंटर में जो जो मिठाइयाँ हैं मैंने आपको पूरी दिखा दी, और इस तरफ सीटिंग व्यवस्था है। और टेंट आपको एक बार ओवरऑल टेंट दिखा देता हूँ, बहुत ही बड़ा टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक बात हो गया बिंचरी से, वो भी बड़ा था। इसके अलावा दो बारात हैं, एक गन्नेड़ी और एक पूनड़ी से। तो दोस्तों अभी निकाह हो रही है यहाँ पर, और सामने जो दो जवाई हैं वो उनके दोनों के आपको नाम बता देता हूँ। ये हैं अकरम खां गन्नेड़ी जो कि अपने जवाई हैं, इसके अलावा ये हैं अरशद खां पूनड़ी जो कि याकूब साहब के जवाई हैं। इनकी जो शादी है मेरी भांजी से हुई है अकरम खां की, और ये अरशद खां है इनकी जो अपने जीजाजी अनवर खां उनकी बहन है गजाला, गजाला के साथ इनकी निकाह होगी। बाकी आप माहौल देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, लगभग 3 बज चुके हैं, लेकिन क्या बेहतरीन सिस्टमेटिक काम चल रहा है। और बारात की जो टाइमिंग है वो भी बहुत इन्होंने जैसी बताई थी उसी टाइम के अनुसार ही ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये है मेरा भांजा समीर, जो कि कुछ दिनों बाद में डॉक्टर समीर बनने वाले हैं, क्योंकि अभी कजाकिस्तान में MBBS कर रहे हैं। तो MBBS कर रहे हैं, जगह कौन सी है? कजाकिस्तान, कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजाकिस्तान में कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहा है मेरा भांजा है समीर, और एक भांजा और है सोहिल, और इसके अलावा जो भांजी है उसकी आज शादी हुई है। तो समीर आज काफ़ी बिजी है, तो इसको फ्री कर देते हैं, ब्लॉग में ले लिया है। और लुकिंग आप देख सकते हैं समीर भाई समीर की ओवरऑल लुकिंग देख सकते हैं आप, क्या ज़बरदस्त शानदार लुकिंग आ रही है। बहुत जल्द डॉक्टर समीर बनने वाले हैं, और इंशाल्लाह मेरे सीनियर हो जाएंगे फिर, मैं नर्सिंग स्टाफ में हूँ और ये डॉक्टर साहब होंगे, आ जाओ। तो दोस्तों अभी रेस्ट करने आ चुके हैं, बारात आ गई है, निकाह भी हो गई है, लेकिन हाँ बिल्कुल 2.5 घंटा रेस्ट हो चुका है। ये अपने जावेद भाई हैं, इसके अलावा फारिस स्पार्क भाई, यहाँ पर भांजा सोहिल, और वहाँ पर आसिफ भाई, और ये अपने रिजवान खां रिजू, इधर आसिफ भाई है, और इरशाद खां भी हैं, इसके अलावा आसिफ खां जिमी और इरफान भाई तो काफ़ी देर से रेस्ट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और रिजवान भाई चांद कमेंटेटर, अरे एक कमेंटेटर घटाया मेरे को, बेरो पढ़ो। तो दोस्तों अभी चारों तरफ घूम के आ चुके हैं, और आपको एक बार फिर से टेंट की एक्टिविटी दिखा देते हैं, क्योंकि जो निकाह हो चुकी है और खाना वाना भी हो चुका है। एक बार आपको जूस काउंटर है ये दिखा देता हूँ, सुबह से लगातार ये जूस काउंटर है वो चालू है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, और अभी तक अपने ये देख सकते हैं आसिफ खान जिमी, इरफान भाई हैं, रिजवान भाई चांद, इसके अलावा एक भाई और बता रहे हैं, रिजवान भाई चांद बताएंगे, नाम भूल गया मैं, क्या बताया इनका? हिमांशु भाई। क्या काम करते हैं ये? हिमांशु भाई कैटरिंग का कार्य करते हैं। कैटरिंग का कार्य करते हैं हिमांशु भाई, कहाँ से हो? जयपुर। जयपुर से हैं हिमांशु भाई, तो बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर में 20 मिनट आधे घंटे में लगभग यहाँ से जो हमारी भांजी है वो विदा होगी, तो उसके बाद में हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम करेंगे। बाकी दोस्त भी यहीं पर रुके हुए हैं, फारिस, इरशाद खान, रिजू और जो भी हैं, तो वो यहाँ पर राधास का जो बाज़ार है, मार्केट है, गांव है, उसको उसका भ्रमण कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और जैसे ही भांजी विदा होगी उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों लगभग 7 बज चुके हैं, और अभी तक जो दुल्हन हैं दोनों ही, गजाला और समीना, दोनों यहीं पर हैं अभी तक। ये आप देख सकते हैं हमारे जो साथी हैं आसिफ खां जिमी और सब यहाँ पर बैठे हैं, और इरशाद खां यहाँ पर एक नींद पूरी कर ली है इरशाद खां ने, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं, और एक नींद पूरी कर ली है अभी इनको, सामने एक टेबल, एक पैर इनका और एक कुर्सी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। इसके अलावा रिजवान भाई, हेलो TM सर, हेलो, ये देखिए इनको काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, बाकी इनके गुस्से में प्यार है। ये देखिए एक्टिंग और सुहाग भाई हैं, इसके अलावा फारिस भाई, क्या बेहतरीन लुकिंग है इनकी। तो दोस्तों ये हैं हमारे सग्गा जी अयूब खां गन्नेड़ी,
हमारी भांजी है समीना, उनके ससुर गन्नेडी जी हैं और 61 केवल से रिटायर्ड हैं, अभी दुबई में जॉब कर रहे हैं। और बाकी आप माहौल देख सकते हैं, अभी जाने का लगभग तैयारियां हैं वो हो चुकी है और आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम गांव के लिए निकल चुके हैं और वहाँ की जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में जितने भी लोग थे सारे एक साथ वहाँ से निकल गए। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।